2016 में आई फिल्म रिहिशूम की सफलता के बाद रोहित धवन अपनी अगली फिल्म पर काम कर रहे हैं। लेकिन बता दें, इस फिल्म में उनके भाई वरुण धवन नहीं बल्कि सुपरस्टार ऋतिक रोशन फाइनल हैं। हालांकि फिलहाल ऋतिक ने फिल्म साइन नहीं की है। रोहित धवन फिलहाल फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। यह एक सुपर हीरो फिल्म होगी, लेकिन रोहित ने ध्यान रखा है कि यह क्रश सीरीज से बिल्कुल अलग होगी। उन्होंने फिल्म की एक आइडिया ऋतिक को बताई है, जो उन्हें काफी पसंद आई है। सूत्रों की माने तो यह ऋतिक की एक और सुपर हीरो फिल्म होगी, लेकिन क्रश अवतार से काफी अलग। रोहित धवन इसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं। फिल्म में VFX का जबरदस्त इस्तेमाल किया जाएगा। वह बॉलीवुड की अब तक की बेस्ट सुपर हीरो फिल्म बनाना चाहते हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला होंगे। रोहित धवन की यह फिल्म 2019 में शुरू हो सकती है, क्योंकि फिलहाल ऋतिक सुपरतिस बायोपिक और फिर सिद्धार्थ आनंद की एक फिल्म में व्यस्त हैं। बहरहाल यहां जाने बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्में पद्मावती, संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती लगभग 200 करोड़ के भारी भरकम पर बनी है। फिलहाल फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है। प्रेम रतन धन पायो, सलमान खान स्टारर सूरज बड़जात्या की यह फिल्म 180 करोड़ बजट पर तैयार हुई थी, जबकि फिल्म ने लगभग 250 करोड़ की कमाई की थी। धूम 3 आमिर खान स्टारर यशराज फिल्म की सुपरहिट फिल्म धूम 3 भी 175 करोड़ के भारी भरकम बजट पर तैयार की गई थी। बैंग बैंग ऋतिक रोशन कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म बैंग बैंग 160 करोड़ के बजट पर तैयार हुई है। हैप्पी न्यू ईयर, शाहरुख खान स्टारर फराह खान की यह फिल्म 150 करोड़ के भारी भरकम बजट पर तैयार की गई थी। बाजीराव मस्तानी, बिग बजट फिल्मों के लिए मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की यह फिल्म 145 करोड़ के बजट पर तैयार की गई थी। फिल्म सुपरहिट रही थी। बाजकास लास है।